और हमारे बेटे को पकड़ के पुलिस जेल भेज रहा है, क्या दुखद बात है। कौन भेज रहा है? वहां का पुलिस। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार की पुलिस जनता पर कितना अत्याचार करती है, इस बात का सबूत आज के जनता दरबार में देखने को मिला। बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार सज चुका है, ऐसे में फरियादी अपनी फरियाद लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज के जनता दरबार में एक बुजुर्ग सीएम नीतीश कुमार के पास रोते हुए इस बात की गुहार करता है कि किस तरह से पुलिस उनके परिवार पर अत्याचार कर रहा है। इतना ही नहीं, उस बुजुर्ग ने बताया कि जमीन उसकी है लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है। बताते कि रोते हुए उस बुजुर्ग ने कहा कि साहब आप ही हमारे माई बाप हैं, ऐसे में आप ही बताइए कि आखिर हम जिए तो किस तरह से जिए। आपको बता दें कि आज के जनता दरबार में बिहार पुलिस की पोल खुलकर रह गई जब वो बुजुर्ग सीएम नीतीश कुमार के पास जाकर रोने लगता है। किस तरह से उस बुजुर्ग ने अपनी फरियाद सीएम नीतीश कुमार को बताई और किस तरह से अत्याचार की बात उसकी तरफ से कही गई है, सुनवाते हैं आपको। क्या हुआ है, समस्या बताइए आपका। कैसे बोलिए। पुलिस जमीन आपकी प्रमाण है सर, पेपर कठिन भी है और बड़ा भारी, कैसे हम लोग जिंदा बचेंगे। आगे डीएम बोले आदेश पर आधार पर दिया जाए देख लीजिए। बता दें कि लगातार बिहार पुलिस पर सवाल उठते रहते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि बिहार पुलिस जनता पर अत्याचार करती है, ऐसे में आज के जनता दरबार में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जब वो बुजुर्ग अचानक ही रोते हुए अपनी फरियाद लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचता और बताता है कि किस तरह से जमीन जो है वो उसकी है लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसके परिवार पर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, रोते हुए उस बुजुर्ग ने अपनी जो शिकायत वो सीएम नीतीश कुमार को बताई, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए। आपको बताएं कि रोते हुए उस बुजुर्ग ने अपनी शिकायत सीएम नीतीश कुमार को बताई, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्या को समाधान किया जाए। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।